मैंने आपको बताया था, सोमेश्वर में भाजपा की प्रत्याशी रेखा आर्या ने सस्ते सड़े गले प्रेशर कुकर बांटे जिसमें से एक फट गया। इसकी खबर आई इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे। अगर गोदी मीडिया नहीं दिखा रही उत्तराखंड वाली तो क्या, हमने तो देखा और देखने के बाद हमने कंप्लेन कर दिया चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग कार्रवाई करे। अब हमने उस व्यक्ति को भी ढूंढ लिया जिसको भ्रमित करके इन्होंने वो प्रेशर कुकर दिया। क्या कह रहा है वो आप स्वयं ही सुन लीजिए। 200 रुपए का प्रेशर कुकर जो देता है ना, जो सस्ता सड़ा गला सैंडविच मेकर देता है या महंगी सी महंगी ही दे दे वॉशिंग मशीन कंबल, उसकी बातों में मत जाना। जागरूक बनना और उसको वोट देना जो आपके लिए करे काम, जो आपके साथ खड़ा हो जब मुश्किल का वक्त हो। ऐसा नहीं कि वो भिखारी बना दे और आप खुश हो जाओ। वो जरूरत ये है जो आपका अधिकार है वो आपको मिले और आप अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके। जागरूक बने, पढ़े लिखे बने और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वोट करें। ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी अब हाथ पे, इसलिए अब की बार बटन किसका दबाना है, केवल और केवल हाथ, यानी कि कांग्रेस पार्टी का देना है साथ। तो क्या हुआ, आलू पालक डाले थे उसमें आग जल गए थे बढ़िया करके, होने से फटा तो थम्मा करके मेरे, वो तो आग बच गई मेरे सीधा मेरे को ही जल लगा वहाँ पर फटा तो फिर सारे फैमिली को दिक्कत आती साइड से हुआ ना उसका कॉर्नर पतले होंगे कुछ भी होगा। तो कह रही कुकर से कभी रेखा आर्या देखा था? हाँ जी, इन्होंने दिया था कंपनी का नाम से और डब्बे में पैक था। हमने कहा यूज़ करते हैं इसको आलू पालक बनाने का, कल थोड़ा उसमें डाला था पता नहीं साइड से फक करके सीधा मेरे आँख बच गए मेरे मेरे मुंह में लगा। ये जो परसों बटा था वो वाला कुकर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए भाई लोगों, मैं इस क्या नाम कहते दुर्भाग्य हमारा इस सोमेश्वर क्षेत्र के लिए, हम पूरी चारों इलाकों की जनता के लिए हमारा इतना दुर्भाग्य है कि ऐसे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो हमारी बैठी है, जो हमारी कैबिनेट की मंत्री बैठी है, उन्होंने इतने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे काम कर रखे हैं पब्लिक के बीच में। इन्होंने एक ऐसा सोचा कि हम पब्लिक को एक 200 रुपये का कुकर देंगे और पब्लिक हमको वोट दे देंगी। तो इन्होंने, ये भाई डिगरा से है, आपका क्या नाम है? चंदन नाम, ये डिगरा से है। इनका कुकर फटने से ये हाल हुए, ये हॉस्पिटल से अभी हमने इलाज करवा के आ रखे हैं। ये हाल है हमारे सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ पर मंत्री ऐसी बैठी हैं वोटों की लालच में। इन्होंने ऐसे हल्के ऐसे कुकर जो देने का इनको काम कर रखा है, ये आज इनको ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मेरे सारी जनता से हाथ जोड़ के ये विनती है, ये निवेदन है कि इनके कुकरों को आप लीजिए, इनके पैसों को आप लीजिए, इनकी साड़ी धोती को आप लीजिए और हमारे छोटे छोटे नादान बच्चों को, जो बच्चे आज 18 साल से भी नीचे हैं, 18 साल से जो बच्चे नीचे हैं उनको ये दारू पिलाने का काम कर रहे हैं और घर घर जाके वो अपने झगड़ा फिसाद कर रहे हैं। ऐसे हमारी नेता का काम, इनके कार्यकर्ताओं का हाथों से ऐसे यहाँ पर हमारे इलाकों में ऐसे काम किया जा रहा है। मैं न्याय पंचायत का अध्यक्ष मनसारी नाला चौड़ा से बोल रहा हूँ, हीरा सिंह मेहरा इस भाई को, अभी हमारे जो जोशी जी आए हैं, हमारे जोशी जी इनका इलाज करवा के आए हैं अभी सोमेश्वर से। तो आज लोगों, मैं सभी इस क्षेत्रवासियों से, पूरे विधानसभा क्षेत्र से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस बार सभी ने अपना मतदान कांग्रेस के पक्ष में, हाथ का बटन। हमारा एक कैंडिडेट है, बहुत सज्जन पुरुष है, जो काफ़ी संघर्ष इस बोरारोक पट्टी के लिए और अपने ताकुला क्षेत्र के लिए कर चुके हैं और उन्हें हमने भारी मतों से विजयी बनाना है। जय कांग्रेस, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार। कुकर लिया तो मोल सबूत अपने हाथ में होना चाहिए पक्का।